उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत मुरादाबाद के बुद्धि विहार आवास विकास के सेक्टर 7 में समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में 2000 से अधिक कन्याओं का विवाह उनके धर्म के अनुसार संपन्न कराया गया। इस सामूहिक विवाह की सबसे खास बात ये रही कि एक तरफ मंत्रों का उच्चारण तो दूसरी तरफ कुरान की आयतें पढ़ी जा रही थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय की बेटियों की शादी उनके धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार सरकार के दिशा निर्देशन में की गई। बेटियों को उनकी ज़रूरत का सामान भी उत्तर प्रदेश सरकार के ज़ेर एहतमाम किया गया। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की जनता के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी योजना गरीब बेटियों की शादी की है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना में ये गिनी जाती है। शनिवार को मुरादाबाद के दिल्ली रोड आवास विकास बुद्धि विहार के सेक्टर 7 में समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी मुरादाबाद मानवेंद्र सिंह ने की और कार्यक्रम का संचालन समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र कुमार गौतम द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और MLC पूर्व सांसद सत्यपाल सिंह सैनी और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह के साथ साथ अन्य कई जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी के बाद सामूहिक शादी का आयोजन खूबसूरत अंदाज में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मौजूद रहे मुख्य अतिथियों द्वारा बेटियों को सम्मानित किया गया तो वहीं मंत्रोच्चारण के और कुरान की आयतों के बीच निकाह भी पढ़ाया गया। एक तरफ मौलवी इन बेटियों का निकाह पढ़ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अग्नि को साक्षी मानकर सनातन धर्म के जोड़े मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे थे। भगवान विष्णु मंगलम करण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि ग्रत प्रवाह स्वस्ति नूखा विश्वेता स्वस्ति नारिचो अरिष्टी स्वस्ति नो बृहस्पति दृतस्वामृतिमातर शुभं जावानो विदधे बुधमय अग्निवामरव शूरतक्षसो विष्णो अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः प्रेणुयामतीव। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथियों द्वारा कहा गया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की जनता के सभी वर्गों का कल्याण कर रही है। आज का ये पल गौरवान्वित कर देने वाला है क्योंकि गरीब की बेटियों की शादी में जो परेशानियां आती थी उन परेशानियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने समझा जाना और उन परेशानियों को खत्म करने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश की हर गरीब बेटी अपनी ससुराल के लिए खुशी खुशी विदा हो रही है। सरकार उन बेटियों को दान दहेज के रूप में कुछ नगद धनराशि उपलब्ध करा रही है और शादी में जो भी मेहमान आए हैं उनको भी भोजन कराया गया। करार है वो सिर्फ इस बात का करार नहीं है कि बस अब आज से मैं पति हूँ तुम पत्नी हो मेरी हर बात मानोगी मेरी सेवा करोगी। अगर पत्नी सेवा करेगी तो पति उसका मान करेगा। जब तक मान नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा तब तक विवाह का अर्थ नहीं होगा। तो मेरी ये उम्मीद है और आशा है कि आप सभी इस विवाह को अर्थमय बनाएंगे और आपको आपके आगामी वैवाहिक जीवन के लिए मेरी तरफ से ढेरों आशीर्वाद धन्यवाद जय हिंद। मैं आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई। आज हमारी भाभी जी डॉक्टर शेफाली सिंह की शादी की वर्षगांठ है। हम सब लोग उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में या प्रदेश में जब से माननीय योगी जी की माननीय मोदी जी की सरकार आई है तब से प्रारंभ हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी पहल है। कितने हमारे भाई बहन इस तरीके कार्यक्रम नहीं कर पाते थे आर्थिक गरीबी के कारण आर्थिक मजबूरी के कारण अनेकों परेशानियों के कारण। हमारे इस भाई बहनों की चिंता उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र की सरकार ने की और आज पूरे देश में पूरे प्रदेश में जगह जगह आभार व्यक्त करना चाहूँ। कितनी मशक्कत उन्होंने करी होगी पहले से सूची बनाई होगी सबको सूचना दी होगी लाने की व्यवस्था करी होगी और आज
सबको आशीर्वाद देने के लिए पूरा समय सब काम छोड़ कर ये वह भी उपस्थित हैं। तो हम सब लोग भी सौभाग्यशाली हैं कि आपको शुभकामना आशीर्वाद देने के लिए आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं आपसे बस इतना ही आग्रह करना चाहूँगा, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आपके हित में एक छोटी से छोटी चीज़ को देख के, कमी को देख के कि आप किसी क्षेत्र में असमर्थ हैं, तो सरकार आपके साथ खड़ी है, आपका सहारा देने के लिए पूरी तरह से तन मन है। अब जैसे विवाह शादी तो करा ही रहे, आपके लिए जो मूलभूत जरूरत की चीज़ है वो भी दे रहे हैं, धनराशि के माध्यम से कुछ सहयोग करने का भी आपको एक संकल्प लिया सरकार ने, वो आपको सबको प्राप्त हो रहा है। तो इससे ज़्यादा संवेदनशील सरकार मुझे लगता है कि पिछले दिनों में आप सबने नहीं देखी होगी। तो मैं इस अवसर पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने देश के इस प्रकार के नागरिकों के लिए, सम्मान के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए, भाइयों के सम्मान के लिए एक प्रकार से सरकार उनके साथ खड़ी करी, उनको सहयोग देने का काम लिया। हम यूँ कहें तो ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित भी सरकार है। अगर योजनाओं की तो मैं ताम वर्णन करूँ तो बहुत सारी योजनाएं, आज ये अवसर नहीं है तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस प्रकार के कार्य वो करते रहें समाज। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ये कार्यक्रम सफल कार्यक्रम माना जा रहा है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की हर ओर सराहना हो रही है। लगभग 2200 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ है, इसमें कि करीब 900 जोड़े जो हैं मुस्लिम के हैं, 1100 जोड़े हिंदुओं के हैं। ये 2000 के आसपास पंजीकरण तो 2400 का हुआ था, लेकिन 2000 के आसपास सर पूरे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। हाँ, समस्त डिस्ट्रिक्ट से हैं, पूरे एक ही कार्यक्रम में रखा था यहाँ जिला मुख्यालय पर, पूरे जनपद के हित जो है सभी जुगलों को मैं सबका अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे से उनसे गुजरे। और जो हमारी सरकार ने तो उनको 51,000 रुपया प्रति जोड़े का जो खर्च आता है, इसमें 35,000 रुपया उनको खाते में जाता है और 16,000 रुपया जो है वो दहेज और यहाँ दहेज का सामान और जो यहाँ पर जो इंतज़ाम किए जाते हैं उसमें व्यय होता है। तो एक समाज कल्याण का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, इसमें कि एक तो सामूहिक विवाह में एक सामाजिकता का भी विकास होता है और जो दहेज की वजह से लोग शादियाँ नहीं कर पाते हैं उनको ये बहुत बड़ा सम्मान। दहेज में सर क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं? जैसे उनके लिए 51 बर्तन दिए जाते हैं स्टील के, उनको ब्रीफ केस दिया जाता है, कुकर और अंगूठी, चांदी के कुछ जेवरात भी दिए जाते हैं, घर उपयोग की चीज़ें। सर जो धनराशि दी जाती है वो खाते के माध्यम से दी जाती है? हाँ, खाते ऑनलाइन ट्रांसफर।